बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से मुस्लिम मुसलमानों के शरीयत में है किसी भी ऐसे मंदिर तोड़ करके या किसी के मकान तोड़ करके किसी प्रकार से जबरदस्ती यदि मस्जिद बनी है तो मस्जिद में नमाज नहीं किया ना किया जा सकता है। जब प्रत्यक्ष हो गया है कि नहीं यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है तो ऐसे ज्ञान बापी मस्जिद को या उसके पूरे अधिकार को हिंदुओं को समझ सहर्ष मुसलमानों को चाहिए उनको समर्पित कर दें और इस प्रकार से भाईचारे की बात बनी रहेगी। और उनके शरीयत के अनुसार जब नहीं है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने पर और ऐसी स्थिति में जो श्री आलोक वकील साहब आलोक कुमार जी ने कहा है उनके सुझाव को मानकर और इसको मुसलमानों को स्वयं संज्ञान ले लेना चाहिए और इसको तुरंत हिंदू के पक्ष में वापस कर दें जिससे हिंदू अपने ढंग से उसको मंदिर बनावें या वहीं पूजा शुरू करें कैसे करते हैं ये जिम्मेदारी हिंदुओं की होगी। और जो हमारे देश में सहृदयता है गंगा जमुनी संस्कृति और आपसे भाईचारे की बात चल रही है और सब कई जगह ऐसा हुआ है तो एक दो व्यक्तियों के भड़काने में मुस्लिम समाज न आवे और उनको चाहिए कि तत्काल इसको हिंदुओं को समर्पित कर दें और हमारे जो संबंध है भाईचारे को बने रहेंगे। आज से नहीं बहुत दिनों से रहा कि अयोध्या काशी मथुरा यही तीन मंदिरों की मांग रही है तीनों मंदिर में सर्वे में और जिस प्रकार से हुआ सब यही लगा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है इसलिए अपने शरीयत पर ध्यान दें और साथ ही साथ भाईचारे पर ध्यान दें। मुस्लिम भाई इसको तुरंत हिंदुओं को समर्पित कर दें यही हमारे देश के लिए हित है समाज के लिए हित है और आपसी भाईचारे के लिए हित है। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।